Now next one, check the given number is a valid range or not. Means कई बार आपके लिए मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट होगा गिवन कॉन्सेप्ट, जब भी आपको डेटा रेंज के फॉर्म में कंपेयर करना, रेंज मींस फॉर मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज. फॉर एग्जांपल, चेक द गिवन नंबर इज विद इन अ रेंज ऑफ 1 टू 5. व्हाट इज मीन बाय 1 टू 5 रेंज? इस अगर नंबर का वैल्यू या तो 1 है या फिर 2 या 3 या 4 या 5. इस केस में 1 क्या है? 1 इज अ मिनिमम रेंज एंड 5 इज अ मैक्सिमम रेंज. पर कोई भी नंबर वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करा, देन डिस्प्ले करा सम यस और करेस्पोंडिंग मैसेज, अदरवाइज सम अल्टरनेटिव मैसेज सेम एज. इन इस केस में अगर रेंज के बेसिस पर बात करें, रेंज वाला केस आपके लिए यूजफुल क्या होगा? जस्ट अभी सेम केस आपको एक्सप्लेन, फर्स्ट ऑफ ऑल अदर केस सेम है. अगर चेक करना, चेक द गिवन नंबर इज रेंज ऑफ 10 टू 100 और नॉट, 10 टू 100 और नॉट. इस केस में 10 क्या है? इस केस में रेंज क्या होगा? 10 11 12 अप टू 100. इस केस में 10 क्या है? 10 इज अ मिनिमम रेंज एंड 100 इज अ मैक्सिमम रेंज. इस टाइप के कई सारे केसेस होंगे. अब चेक करते हैं इस टाइप का कॉन्सेप्ट और लॉजिक आपके लिए किस टाइप के प्रोग्राम्स डेवलप करने में या बिल्डअप करने में यूजफुल केस हुआ. फॉर एग्जाम्पल्स, समटाइम्स एंटर द न्यूमेरिक वीक डे. फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आप रन टाइम पर वीक डे एंटर करना चाहते हो, वीक डे के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, न्यूमेरिक वीक डे, तो न्यूमेरिक वीक डे में वैलिड वीक डेज क्या होंगे? 1 to 7. इसकी रेंज क्या है? 1 से लेकर 7 तक. 1 to 7, 1 2 3 4 up to 7, दिस वन इज वैलिड वीक डे. अगर एंटर डे का रेंज मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 7. हेयर 1 इज अ मिनिमम वीक डे एंड 7 इज अ मैक्सिमम वीक डे. इस टाइप के प्रॉब्लम्स को भी यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए अप्लाई क्या करेंगे? लॉजिक्स फॉर चेक द गिवन रेंज सेम एज न्यूमेरिक मंथ डे. अगर न्यूमेरिक मंथ डे एंटर किया है, मंथ डे चेक करना गिवन मंथ डे इज वैलिड और नॉट. मंथ डे के रिस्पेक्ट में टोटल न्यूमेरिक मंथ्स कितने होंगे? 12, 1 to 12. मिनिमम इज 1 मीन्स जनवरी, 2 मीन्स फरवरी, मार्च एंड सो ऑन. दिसंबर को रिप्रेजेंट किससे करें? 12 से. तो इस केस में अगेन मिनिमम रेंज क्या है? 1 और मैक्सिमम रेंज क्या है? 12. सिमिलरली चेक द गिवन कैरेक्टर्स इन अपर केस और नॉट. अपर केस के रिस्पेक्ट में पॉसिबल अपर केस कैरेक्टर्स क्या हैं? ए बी सी डी अप टू जेड. अगर किसी भी वेरिएबल का आस्की वैल्यू ए से बड़ा या ए के इक्वल है, जेड से छोटा है और जेड के इक्वल है, देन इस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को कंसिडर करेंगे एज अपर केस कैरेक्टर. अपर केस कैरेक्टर का आस्की वैल्यू क्या होना चाहिए? इन बिटवीन ए टू जेड. इस केस में अगेन ए क्या है? ए इज अ मिनिमम आस्की वैल्यू, जेड इज अ मैक्सिमम आस्की वैल्यू. मीन्स कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स के केस में डेटा किसके बेस पर कंपेयर हो? बेस्ड ऑन मिनिमम और मैक्सिमम रेंज. सेम एज लोअर केस कैरेक्टर्स, अगर लोअर केस कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में बात करें, इस केस में भी कैरेक्टर्स क्या होंगे? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल जेड. इस केस में अगेन मिनिमम रेंज क्या है? ए. मैक्सिमम मिनिमम रेंज इज स्मॉल ए, आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए. मैक्सिमम रेंज इज आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल जेड. सिमिलरली डिजिट्स, डिजिट्स के रिस्पेक्ट में बात करें, डिजिट्स के रिस्पेक्ट में कंसिडर क्या करेंगे? डिजिट्स क्या होंगे? 0 to 9, 0, 1, 2, 3 up to 9. मीन्स 0 इज अ मिनिमम डिजिट, 9 इज अ मैक्सिमम डिजिट्स. इस टाइप के कई सारे ऑपरेशन होंगे जिस केस में, मोस्ट ऑफ केस में अप्लाई क्या करेंगे? लॉजिक्स फॉर अप्लाइंग मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज. देन इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं. अगर सेम लॉजिक से डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए अप्लाई करना पॉसिबल. मिनिमम रेंज मीन्स, जैसे करंट केस में क्या पूछा है? चेक द गिवन नंबर इज बिटवीन 1 or 5 और नॉट. मीन्स अगर किसी भी नंबर का वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है. मीन्स मिनिमम रेंज के लिए लॉजिक क्या हुआ? द लॉजिक्स फॉर मिनिमम रेंज लाइक दैट. मिन रेंज क्या है इस केस में? 1 इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. अगर नंबर का वैल्यू या तो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, देन मिनिमम रेंज सेटिस्फाई हो रहा है. मीन्स इसका मतलब नंबर कैसा है? ग्रेटर देन 1. और एंड सेकेंड मैक्सिमम कंडीशन क्या हुआ इस केस में? मैक्स कंडीशन, नंबर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 5. नंबर का वैल्यू कैसा होना चाहिए? नंबर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 5.
फाइनल इस केस में दोनों मिस अगर रेनी टेस्ट करना देन दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए और एनी वन बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू बिकॉज फॉर एग्जांपल्स अगर नंबर का वैल्यू मैंने प्रेस किया समथिंग 10 तो 10 के केस में कहें 10 1 से तो बड़ा 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इज ट्रू लेकिन 10 5 से छोटा है क्या 10 रियल में देखें 10 1 और 5 के रेंज में है क्या नॉट पॉसिबल बिकॉज 10 के केसेस में लेस देन कंडीशन टेस्ट करेंगे या मिनिमम मैक्सिमम कंडीशन 10 लेस देन 5 ट्रू और फॉल्स फॉल्स इस केस में 10 कैसा 10 इज नॉट अ रेंज ऑफ 1 टू 5 मींस इस केस में एनी वन कंडीशन ट्रू होना चाहिए और बोथ इसके प्रीवियस केस में फर्स्ट कंडीशन ट्रू था लेकिन सेकंड फॉल्स था इस केस में नंबर कैसा नंबर इज नॉट अ रेंज इसका मतलब क्या बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू दोनों ही कंडीशन ट्रू है देन इसको कंबाइंड किससे कराओ दोनों ही कंडीशंस को यूजिंग लॉजिकल एंड एक्सप्रेशंस लाइक दैट जैसे फर्स्ट केस में चेक करना चेक द गिवन नंबर इज वैलिड वीकडे और नॉट वैलिड वीकडे के केस में मिनिमम रेंज क्या 1 और मैक्सिमम रेंज क्या 7 इस केस में अप्लाई क्या करेंगे सम वेरिएबल समथिंग डे अगर डे का वैल्यू या तो 1 के बराबर है या फिर 1 से बड़ा है एंड दिस इज द फर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन क्या हुआ एंड डे वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 7 क्योंकि न्यूमेरिक वीकडे में वैलिड डे क्या होंगे 1 to 7 सेम न्यूमेरिक मंथ टेस्ट करना है गिवन मंथ इज अब वैलिड न्यूमेरिक मंथ और नॉट न्यूमेरिक मंथ के केस में ओनली मंथ नॉट अ मंथ डेज मंथ्स के रिस्पेक्ट में टोटल मंथ्स कितने 12 इसलिए मिनिमम रेंज क्या हुआ 1 अगेन अप्लाई क्या करें समथिंग मंथ्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड मंथ्स लेस देन इक्वल्स टू 12 मीन्स मैक्सिमम रेंज क्या है 12 तो इस केस में कंडीशन कैसा है ट्रू सेम है नेक्स्ट वन अगर अपर केस कैरेक्टर के लिए टेस्ट करना सपोज सम वेरिएबल कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल सी एच अगर सी एच का वैल्यू टेस्ट करना है सी एच इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है देन अगेन क्या यूज करेंगे इफ आस्की वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू ऑफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द फर्स्ट कंडीशन अगर सी एच का आस्की वैल्यू ए के आस्की वैल्यू से बड़ा है एंड सी एच का आस्की वैल्यू जेड के आस्की वैल्यू से या तो छोटा है या इक्वल है देन इस केस में सेकेंड मीन्स दोनों ही कंडीशन कैसे हैं सेम दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू है देन गिवन कैरेक्टर कैसा हुआ वैलिड अपर केस कैरेक्टर दिस इज द कंडीशन फॉर अपर केस कैरेक्टर्स दिस इज द मिनिमम कंडीशन दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन सेम है लोअर केस कैरेक्टर्स के लिए अगर कंडीशन से अप्लाई करना देन इस केस में अप्लाई क्या करेंगे इफ कैरेक्टर वैल्यू और आस्की वैल्यू ऑफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड आस्की वैल्यू ऑफ सी एच लेस देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल जेड इज द मिन कंडीशन और मैक्सिमम कंडीशन डिजिट्स के रिस्पेक्ट में बात करें डिजिट्स की केस में बात कर रहा हूँ मैं रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर्स नॉट अ इंटीजर्स इस केस में अगर गिवन कैरेक्टर का आस्की वैल्यू जीरो से बड़ा है या जीरो की इक्वल है इफ आस्की वैल्यू ऑफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड जिन्हें देखा जाए तो इस केस में ब्रैकेट राइट करना कंपलसरी नहीं है ऑप्शनल केस है ओनली सेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड ASCII value of CH is less than equals to 9. Like this. This is the condition for checking given character is valid digit or not. अगर किसी भी character variable CH का ASCII value 0 से बड़ा है 9 से छोटा है then given character कैसा हुआ valid digits. Like that. Start with different cases 1x1 test करेंगे remaining programs. इससे particular case min range और max range आपके लिए काफी हद तक हेल्पफुल प्रूव होंगे देन नेक्स्ट वन रेंज के बेसिस पर 1x1 डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम टेस्ट कर रहे हैं।